गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए हम लोग एग्री इन्फॉर्मेटिक्स में आगे बढ़ते हैं। होप्स आप लोगों ने मेरे प्रीवियस दो लेक्चर को विजिट कर रखा होगा, जहां पे हम लोगों ने 5 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम लोग पार्ट 3 पे मूव करते हैं। और आज का सेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपको यदि विश्वास नहीं है तो आप अपने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उसके प्रीवियस सेमेस्टर क्वेश्चन को निकालिए और देखिए ये क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स में, तो ये क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हाँ, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको नोट्स के साथ साथ क्विजेज भी मिलती हैं। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि बच्चे क्विजेज देखते हैं लेकिन अटेम्प्ट बहुत कम ही करते हैं, ऐसा क्यों? क्या आपको कुछ जा रहा है क्या? आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि आप जैसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, नहीं आ रहा कोई बात नहीं भाई, हम लोग जीनियस नहीं है। ठीक है, तो यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन पे जैसे ही आप अटेम्प्ट करोगे, यदि आपका आंसर गलत है तो उसके ऊपर आपको सजेशन में चला जाएगा कि भाई इसका सही आंसर ये है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 5 तो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ डेली, तो 5 क्वेश्चन आपको यदि आप डेली करते जाओगे ना तो आपका नॉलेज बूस्ट हो जाएगा और आपके फर्दर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट कीजिए और थोड़ा फोकस होकर पढ़ाई कीजिए भाई। तो देखिए, हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है डिस्क्राइब कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस। देखिए, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर से कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दिमाग कितना है वो मायने रखता है। कैसे? अब देखिए, आप जाएंगे फॉरेन कंट्री के अंदर तो बहुत सारे ऐसे कार उन्होंने विकसित किए हैं जो कि कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। वहाँ पे आप डाल दीजिए लोकेशन, वो कार आपको वहीं तक पहुँचा देगा। दैट मीन्स कि वहाँ पे हमको ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो भी क्या होता है कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन यार, एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि कंप्यूटर से कंट्रोल किए जाते हैं, तो बेहतर होगा ना कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर वाला ही एग्जाम्पल डालें, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जामिनर के माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा और आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक बताता हूँ एग्जाम्पल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डेयरी फार्मिंग। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, डेयरी फार्मिंग, इसको आप पढ़ लेना, इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा एज अ PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम पे, तो उसको आप पढ़ लेना। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, देखिए, ये लोग जो यूज़ करते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसा ये फ्रेम बनाते हैं कि जहाँ पे कैटल के साथ साथ ये इंस्ट्रूमेंट भी क्या हो सके, इजिली रखा जा सके। यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट का बेनिफिट ये होता है कि ये फार्म के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज देगा। सबसे पहला तो कि आपके फार्म के अंदर इतना मॉइस्चर है, इतनी गर्मी है, इतना टेम्परेचर है, सारा कुछ बता देगा। ठीक है, दूसरी बात कि ये इंडिविजुअल कॉ के आपको रिकॉर्ड देगा। जैसे आपने केटल, ये आपका फार्म है, इसके अंदर आपने कई सारे केटल रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो सेंसर है, ये जो कंप्यूटर है, वो आपको हर एक केटल का जो डेटा है वो रिकॉर्ड कर दे देगा कि इस केटल का ऐसा दूध है, ऐसा इसके दूध में ये चीज़ है, मतलब इतना दूध आ रहा है इसका, इसको इस तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कीजिए, इसको इस तरह का बीमारी है, इसका टेम्परेचर ऐसा है। ठीक है, ये जो है वो थोड़ा अनफिट लग रहा है, आप इसको डॉक्टर से विजिट करवाइए। दैट मीन्स कि आपको हर एक डेटा जितना भी हो सकता है, आपको इसके कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट नहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसके कॉन्टैक्ट में नहीं जाके डायरेक्ट आप अपने कंप्यूटर के पास जाइए और देखिए कि क्या आपके फार्म का क्या रिजल्ट है। ठीक है, वो हर एक कुछ आपको सेंस करके दे देता है, है ना। तो अब इसका एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है भाई, एडवांटेज ये है कि आप डायरेक्ट कैटल के कॉन्टैक्ट में नहीं जाओगे तो आपका सबसे पहली बात कि गंदगी कम होती है, दूसरी बात कि जो इन्फेक्शन लगने की चांसेस होती है काऊ के अंदर वो भी नहीं लगेगा, है ना। और आपको हर एक रिकॉर्ड मिल जा रहा है कि भाई इसके अंदर ऐसा बीमारी हो गया, क्योंकि देखो यदि आप सेंसर यूज़ नहीं करते, आप कंप्यूटर यूज़ नहीं करते, तो आपको थोड़ा जज करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई इस काऊ ऐसा क्यों कर रही है, इसमें क्या वीकनेस आ गया है, किस तरह की बीमारी इसमें लग गया है, तो ये चीज़ आपके पास नहीं मिल सकता है नॉलेज कम्प्लीटली। तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट आपको कम्प्लीटली बता दे रहा है कि इस काऊ के अंदर इस तरह की वीकनेस आ रही है, आप इसको इस तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे सेंसर लगे होते हैं, वो सारे कुछ आपको बता दे रहे हैं। तीसरी बात कि आपको ये मिल्क निकाल के दे दे रहा है, आपके पास यहाँ बैठ के और इसको मिल्किंग करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आप इसके इंस्ट्रूमेंट को लगा दीजिए, आपको मिल्क निकाल के बता देगा कि इतना मिल्क इस काऊ से निकाला गया है।
ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई हमारे पास जो फार्मर है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है या फिर उनके पास इतना पैसा नहीं है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट को परचेज कर सके। ठीक है, हमारे यहाँ के फार्मर तो भाई काऊ को खाना तक नहीं खिला सकते सही से, तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट कहाँ से ला पाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे कंट्री में इतना नहीं है जितना कि ये फॉरेन कंट्री के अंदर है, ठीक है ना। और इसको हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है, आप खुद से नहीं हैंडल कर सकते यदि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, तो इसके लिए आपको अच्छे से खासे ट्रेनिंग भी लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं और काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है भाई, तो होप सो आपको समझ आया होगा कि ये क्या है, ठीक है ना। नो, आप इस फोटोग्राफ को भी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं जो कि इंडिविजुअल कॉक का डेटा आपको रिकॉर्ड करके दे दे रहा है कि भाई इसमें ऐसा सा बीमारी है, ऐसा सा इसको न्यूट्रिशन दीजिए, इतना मिल्क सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, हर एक डेटा आपको दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सिस्टम। कई बार पूछा गया है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स में, डिस्क्राइब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सिस्टम क्या होता है ये। देखिए, सबसे पहला अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं कि भाई एक्सपर्ट सिस्टम का ब्रेन किसे बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा इस टॉपिक से तो ये पूछ सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम में भाई एक्सपर्ट सिस्टम का ब्रेन किससे बोलते हैं, तो इंटरफेरेंस इंजन जो होता है ना, इसको हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम का ब्रेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जब इसको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस फोटोग्राफ के थ्रू मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप इसके फंक्शन को मैं इंडिविजुअल नहीं बताऊँगा, आप इसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब भी इस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कीजिएगा तो इस फोटोग्राफ को ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो जैसे आप फोटोग्राफ बनाओगे तो 3 मार्क्स आपको ऐसी एग्जामिनर दे देगा, बाकी लिखा हुआ तो बाद में वो देखेगा ही देखेगा, लेकिन इसको सबसे पहले देखेगा, तो इसको आप ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। तो चलिए आते हैं और देखते हैं क्या ये डायग्राम बताना चाह रहा है आपको। तो देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, मैं बात करूं कि देखिए आप फार्मर हैं, ठीक है, आप क्या हैं, फार्मर हैं, आपने क्रॉप लगाई और क्रॉप में किसी तरह का बीमारी आ गया, आपको नहीं पता चल रहा है कि हम ये बीमारी आ गया, अब मैं क्या करूं, कैसे इसको मैनेज करूं, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो आप एक्सपर्ट सिस्टम का हेल्प लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आप का जो भी प्रॉब्लम है उसको आप टाइप करते हो यूज़र इंटरफेस में, ठीक है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम को टाइप कर रहे हो, ठीक है। आप जिनने जो भी टाइप करा वो आपका इंटरफेरेंस इंजन है, वो क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, जो भी आपने टाइप करा है उसको क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, और ये ऑब्जर्व करके चेक कर रहा है नॉलेज बेस के अंदर। नॉलेज बेस के अंदर जो भी डेटा होते हैं ना, वो जो एक्सपर्ट होते हैं, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, डालते हैं इसमें नॉलेज को, ठीक है, अपना ये डेटा उसमें अंदर डालते हैं। तो आपने क्या करा, इसमें टाइप करा, जो भी आपका प्रॉब्लम था यूज़र इंटरफेस में टाइप करा, इंटरफेरेंस इंजन क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद वो चेक किया नॉलेज बेस के अंदर कि आपने जो टाइप किया उससे कुछ है या नहीं है, तो उसके अंदर है तो क्या करेगा, आपको इस टाइप का सजेशन प्रोवाइड कर देगा कि भाई आप इस तरह के दवाई का यूज़ कीजिए, इस तरह के मेडिसिन का यूज़ कीजिए, इस तरह से आप जो भी क्रॉप है आपका उसको मैनेज कीजिए, आपका जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस एग्जांपल से नहीं समझ आ रहा तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फॉरेन कंट्री के अंदर ना डॉक्टर बहुत कम है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक्सपर्ट सिस्टम का हेल्प कर लेते हैं। कैसे लेते हैं भाई, वो लोग क्या करते हैं, सपोज कि पेट दर्द दे रहा है, तो वो लोग अपने यूज़र इंटरफेस में क्या करते हैं, टाइप करते हैं भाई पेट दर्द के लिए सबसे बेस्ट दवा कौन सी है, इंटरफेरेंस इंजन क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है और नॉलेज बेस में चेक करता है कि कौन सा बेस्ट दवा है। अब जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो इसमें कुछ ना कुछ मेडिसिन के नेम डाले होते हैं जो कि पेट दर्द से मिलता जुलता हो, तो वो क्या करेगा, आपको फिर जो नॉलेज बेस में चेक करेगा आपका इंटरफेरेंस इंजन, और आपको सजेशन करेगा कि भाई आप ये सारे मेडिसिन आपने ले आइए और ये आप खा लीजिए, ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। दैट मीन्स कि एक्सपर्ट सिस्टम आपको ये मौका देता है कि आप घर में बैठे बैठे एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हो, उससे फिजिकली कॉन्टेक्ट करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है ना गाइस, समझ आ रहा है ना। तो ये देख सकते हो आप, तो आपने एक चीज़ और देखा होगा कि अभी आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखा होगा कि आप सपोज़ यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर को और आपने किसी स्पेलिंग को गलत कर दिया, तो जैसे ही आप स्पेलिंग गलत करोगे तो नीचे की तरफ एक रेड लाइन आ जाता है। ऐसा क्यों आता है, ऐसा इसलिए आता है क्योंकि वो
आप सोचो ना कि कंप्यूटर के पास तो दिमाग नहीं है, उसके पास ऑलरेडी दिमाग तो नहीं है ना कि वो बता दे रहा है कि भाई आप गलत लिखे हो, तो वो कैसे पकड़ पा रहा है कि आपने गलत लिखा है, क्योंकि उसके पास एक्सपर्ट सिस्टम होता है, वो अपने आपने जो टाइप करा है उसको नॉलेज बेस में चेक करता है और आपको बता देगा कि भाई आपने जो स्पेलिंग लिखा है वो गलत है, उसका स्पेलिंग ये होगा, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा, तो वो भी क्या करता है एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ करता है। ठीक है गाइस, समझ आया आपको एक्सपर्ट सिस्टम। अब देखो लिखा हुआ आप पढ़ लेना, आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप मेंशन कर दोगे तो बेटर हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो कंपोनेंट में क्या क्या हो सकता है, कंपोनेंट में आपके यूज़र्स हो सकते हैं, आपका यूज़र इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है, आपका यूज़र इंटरफेस हो सकता है, आपका इंटरफेरेंस इंजन हो सकता है, नॉलेज बेस हो सकता है, आपका एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो ये सारे क्या हैं इसके कंपोनेंट्स हैं, तो इसको मैंने आपको बताया कि किसका क्या काम है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपने लैंग्वेज में। ठीक है, ये लिखा हुआ आप पढ़ लेना, इसको मैं पढ़ने नहीं जाने वाला क्योंकि पढ़ूंगा तो एक एक तो आपका लेक्चर लंबा हो जाएगा, और मैंने जो बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस फोटोग्राफ से भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आप अपने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर एक बार देखिए जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको ये PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, और कोई भी डाउट होता है आपको, किसी भी तरह की क्वायरी होती है, तो आप हमको मंडे टू फ्राइडे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, और आप अपने जो क्वायरी है उसको कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।